Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistant. Dear students, aaj main aapke saath discuss karne lagi hu compulsory english 11423 code hai spring 2021 ki assignment hai. Kis tarah se aapne questions ko solve karna hai, kya answers likhne hai, complete detailed solved assignment hai, saath hi saath explanation bhi dungi taki aapke papers mein aapke liye understanding mein help ho sake. So let's begin with your assignment, par usse pehle main chahungi ki agar aap mere channel pe new hain to jaldi se channel ko subscribe kar dein और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन सेक्शन ए ऑफ यूनिट 1 यू हैव स्टडीड टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. अब आपने क्या करना है कि आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने हैं. जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है ही कैन हेल्प अस, सो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कैन ही हेल्प अस. ठीक है, आप इस सेंटेंस के साथ जाएंगे. इसी तरह से आई हैव डन माई वर्क, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क या हैव आई done my homework. ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख देंगे. Is she reading Holy Quran? इस तरह से आप different sentences की शक्ल आप questions को दे देंगे. ठीक है, question number 2 में आपने क्या करना है कि आपने different simple present और continuous tense से आपने fill करने हैं. Continuous tense में क्या होता है कि ing लग जाता है verb के आगे और साथ ही साथ is का use किया जाता है. जैसा Maria dash work for a TV station, Maria is working for a TV station. ठीक है, और इसी तरह से आप इसको मारिया वर्कड ईडी लगा के भी आप कर सकते थे. ठीक है, एट द मोमेंट शी डैश इन द सहारा डेजर्ट, एट द मोमेंट शी इज ट्रेवलिंग इन द सहारा डेजर्ट. ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस मैंने यहाँ पर तमाम को किया है. इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. आपको कंफर्मेशन के हवाले से क्वेश्चन आपने लर्न किए थे यूनिट नंबर 2 में, उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. एक एग्जांपल गिवन है, जिस तरह से समवन आई हैव 11 चिल्ड्रन. अब आपने कंफर्म करना है कि हैवंट यू, यानी कि यू हैव और यू हैव नॉट. ठीक है, इसी तरह से तमाम सेंटेंसेस को आप इस तरीके से कंफर्मेशन सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हवाले से लिखना है और आपने यूनिट 2 में ये चीज स्टडी की थी. अब आपको डिफरेंट वर्ड्स गिवन है, उनके सिनोनिम्स लिखने हैं और साथ ही साथ आपने उनके एंटोनिम्स लिखने हैं. अब सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट्स होते हैं. ठीक है, जिस तरह से इजी का आपका ऑपोजिट आ जाएगा डिफिकल्ट, गिव का आपका टेक आ जाएगा ऑपोजिट. ठीक है, इसी तरह से न्यू का आपका आ जाएगा ओल्ड, ये ऑपोजिट्स हैं. ठीक है, और हैवी का आपका आ जाएगा लाइट, ब्राइट का आपका आ जाएगा डल. ठीक है, ये आपके कुछ एंटोनिम्स हैं. इसी तरह से जो सिनोनिम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इजी, सिंपल, गिफ्ट, डोनेट, न्यू, लेटेस्ट, बिग, हैवी, ब्राइट. ठीक है, लाइट भी हो सकता है और ब्राइट का आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक अमेजिंग कलर्स या इस तरह से. ठीक है, उसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है. जिस तरह शी इज कुकिंग द मील, शी हैज कुक्ड द मील. ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. इसी तरह तमाम सेंटेंसेस के साथ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एग्री और डिसएग्रीमेंट शो करना है. आपने पाकिस्तानी सा गुड होस्ट, इफ यू एग्री सो यू हैव टू राइट इट डाउन, इफ यू डोंट एग्री यू हैव टू राइट नो आई डोंट एग्री, या येस आई एग्री दैट पाकिस्तानी सा गुड होस्ट. ठीक है, इस तरह से आपने एग्री और डिसएग्रीमेंट शो करना है डिपेंडिंग ऑन योर थिंकिंग. फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 में 5 सेंटेंसेस देने हैं अबाउट पॉसिबिलिटी और 5 सेंटेंसेस इम्पॉसिबिलिटी, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि पॉसिबल हैं चीजें और कुछ सेंटेंसेस यानी कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 में आपने मॉडल वर्ब्स के हवाले से लिखना है, लाइक सजेशंस देनी है. कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, जिस तरह से फर्स्ट आपको गिवन है ही इज स्नीजिंग एंड कफिंग. अब बता दिया गया है कि ये सिचुएशन है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो अब इसको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप सजेशन देंगे. He should take some medicine for flu. ठीक है, इसी तरह से अच्छा ये कुछ सेंटेंसेस जो लिखे हुए इनको आप सजेशंस में चेंज करेंगे, लाइक आई नीड टू गेट गुड ग्रेड्स इन एग्जाम, सो वट ही शुड डू, ही शुड एक्सटेंड टाइम ऑफ हिज स्टडीज. ठीक है, आप इसको ही शुड का वर्ड यूज करेंगे. इसी तरह से अली हैज टू टेक, अब आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं प्लीज विजिट द डेंटिस्ट, या आप सजेशन की सूरत में भी कह सकते हैं कि ही शुड विजिट एनी डेंटिस्ट. ठीक है, इसी तरह से ये तमाम सेंटेंसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे. होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. मजीद वीडियोस के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाफिज़.